एक और शॉकिंग वीडियो और हर गुजरते दिन के साथ आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति के दावे जो हैं वो धराशायी होते नजर आ रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, कल ही एक वीडियो आया था और उस वीडियो के अंदर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और वहां पर बहस कर रही थी सुरक्षा कर्मियों से, उन्हें गालियां दे रही थी। अरविंद केजरीवाल के पीएस जो है वैभव कुमार, उनको तक गालियां दे रही थी। मगर आज एक और वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है और यह वीडियो जो है वो सीसीटीवी का वीडियो है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जो हैं वो बाकायदा सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर जा रही हैं, उन्हें सुरक्षा कर्मी एस्कॉर्ट कर रहे हैं और इसमें एक महिला सुरक्षा कर्मी भी दिखाई देती हैं। वो बाहर आती हैं और बाहर आके देखिए किस तरह से वो हाथ झटकती हैं पुलिस वाली का, बुरी तरह से हाथ झटकती हैं। और न सिर्फ हाथ झटकती हैं, थोड़ी देर बाद वो बाकायदा उंगली का इशारा करते हुए उनसे बहस भी करती हैं। अब इस वीडियो में स्वाति मालीवाल के लिए दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि मुझे बुरी तरह से पीटा गया, मैं चल भी नहीं पा रही थी, मेरे कपड़े इधर उधर हो गए थे और तमाम चीजों के दावे किए गए। कल का जो वीडियो आया था वो आपने देखा ही होगा, वो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, मगर ये जो ताजा वीडियो आया है उसमें एक बार फिर लग रहा है कि स्वाति मालीवाल आराम से चल रही हैं, लंगड़ा नहीं रही हैं। दिलचस्प बात ये घटना 13 मई को होती है, मगर उस दिन स्वाति मालीवाल मेडिकल नहीं कराती हैं, मेडिकल बाद में होता है। और जब वो मेडिकल करवाती हैं तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि स्वाति बाकायदा लंगड़ाते हुए चल रही हैं। आज दो घटनाक्रम हुए दोस्तों, वैभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने जो हिरासत में ले लिया है, जबकि वैभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। स्वाति मालीवाल को हिरासत में लेना तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया, मगर वैभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि स्वाति मालीवाल ने यह ट्वीट किया है कि मेडिकल रिपोर्ट सामने उभर कर आ गई है और मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो रही है कि उनके आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। मगर एक बात समझ के परे है कि जिस वीडियो में आराम से स्वाति मालीवाल चल रही हैं, यहां पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, मगर फिर जब वो मेडिकल कराने गई या पुलिस के सामने जब उन्होंने अपनी गवाही दी तो आप देख सकते हैं किस तरह से आंख बंद करके यहां स्वाति बैठी हुई है, जैसे कि बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। यहां पर अगर आप स्वाति मालीवाल की शक्ल को देखें तो यहां पर वो तकलीफ दिखाई दे सकती है। आज कुछ सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं दोस्तों, दो वीडियो सामने उभर कर आ गए हैं और इन दोनों वीडियोज में ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि स्वाति मालीवाल पर किसी ने बुरी तरह से हमला किया है। उल्टा जो कल का भी वीडियो था दोस्तों, उसमें आपने देखा कि स्वाति मालीवाल एक नहीं दो बार अभद्रता का परिचय देती हैं। एक बार वो विभव कुमार के लिए गंजा और एक और शब्द का इस्तेमाल करती हैं जो स से शुरू होता है, और दूसरा वहां बैठे जो सुरक्षाकर्मी हैं जो उनसे कह रहे होते हैं कि मैडम आप चले जाइए बाहर, उन्हें भी धमकाती हैं कि तुम्हारी नौकरी ले लूंगी। तो यह सब क्या हो रहा है दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है, इन मुद्दों पर स्वाति मालीवाल को सफाई देनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने यह भी ट्वीट किया था कि भाई सीसीटीवी का फुटेज आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी भी आ गया, हम सब देख रहे हैं उसमें। फिर वो यह भी ट्वीट करती हैं कि ये लोग सीसीटीवी में छेड़खानी कर सकते हैं। अगर छेड़खानी हुई है तो जाहिर सी बात है स्वाति मालीवाल के इस दावे की जांच होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं यहां पर खड़े होकर स्वाति मालीवाल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं वैभव कुमार को बेकसूर नहीं ठहरा रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। और बतौर दर्शक मैं चाहूंगा कि आप खुद अपनी राय दें, ये जो तमाम वीडियोज आ रहे हैं आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन वीडियोज में कहीं पर भी यह दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल पर हमला किया गया होगा? आम आदमी पार्टी भी उग्र है, वो नाराज है कि उसके पक्ष को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, मगर गोदी मीडिया से क्या शिकायत करना दोस्तों? ये वो कायर हैं जो प्रज्वल रवन्ना पर भाजपा से सवाल नहीं करते हैं, बलात्कारी राम रहीम पर भाजपा से सवाल नहीं करते हैं, बृजभूषण चरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने पर भाजपा सवाल नहीं करते हैं। जब संदेश खाली पर भाजपा का झूठ एक्सपोज हो जाता है उस पर भी माफी नहीं मांगते हैं।
आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि ये जो ताजा वीडियो आया है इससे स्वाति बुरी तरह से एक्सपोज हो जाती हैं। कैसे, सुनते हैं। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सब ने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से तेज स्पीड से बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ाकर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहाकर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है के बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। आतिशी ही नहीं, आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि इस पूरे मामले में स्वाति जो हैं वो बीजेपी का मोहरा बनी हुई हैं, और उसको लेकर आतिशी दो प्रमाण पेश करती हैं। पहला मामला वो है स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ केस, जिसको लेकर स्वाति खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही हैं। आतिशी कहती हैं, हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां राजनेताओं को ब्लैकमेल करके भाजपा उन्हें झुका लेती थी। सुनिए क्या कह रही हैं आतिशी। कल से जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर वन, आप सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं,
इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं, और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें FIR हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है, और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, नंबर वन। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है, उनकी पूरी मशीनरी MHA से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30,000 कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस FIR में आरोपी बनाया गया है, जो FIR पिछले दो दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30,000 कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस FIR की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। कल दिन भर कोर्ट मांगता रहा, 30,000 के कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट दिन भर दिल्ली पुलिस से मांगता रहा कि भाई FIR की कॉपी दो, FIR की कॉपी दो। कल शाम को थक हार कर जब FIR नहीं आई तो 30,000 के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस FIR की कॉपी लेके 30,000 कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये FIR बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस FIR को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो FIR पिछले दो दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, हर टीवी चैनल को भेजी गई, हर यूट्यूबर को भेजी गई, हर अखबार को भेजी गई, हर वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई, आज भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं दे सकते, हम अक्यूज्ड को नहीं दे सकते। ये क्या दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश SHO सिविल लाइन से नहीं चल रही है, ये साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है, ये साजिश सीधा MHA से और होम मिनिस्ट्री से चल रही है। इस केस को सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो उस केस को मीडिया में चलाना हो और चाहे ये कहना हो कि हम आरोपी को FIR नहीं देंगे। दूसरा सबूत कि स्वाति भाजपा से मिली हुई है या दिल्ली पुलिस पूरी तरह से स्वाति मालीवाल के पक्ष में काम कर रही है, वो है FIR का मामला। आतिशी कहती हैं कि वैभव कुमार ने भी शिकायत दर्ज की थी मगर उनके मामले में तो FIR दर्ज नहीं किया गया। आतिशी पूछ रही हैं क्यों। विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले एक दिल्ली पुलिस में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज करी। अभी तक
विभव कुमार जी की कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया कि स्वाति मालीवाल जी का जब मुद्दा सामने आता है तो पुलिस वाले खुद उनके घर पहुंच जाते हैं, भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, चार चार घंटे तक उनके यहां रहते हैं, एक घंटे के अंदर एफआईआर फाइल कर देते हैं, दो घंटे के अंदर मीडिया पे चलवा देते हैं। लेकिन जब विभव कुमार जी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सरकारी अफसरों पर किस तरह से उनको काम करने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस उस पर जवाब तक नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बनकर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर रही है। ये है इस पूरे केस की सच्चाई। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए है। ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद उन पर ये आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा। याद कीजिए दोस्तों, गोदी मीडिया ने किस तरह के कार्यक्रम किए थे और अब ये वीडियो सामने उभर कर आ गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए पात्रों को उल्टा कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री हैं, उनकी जगह अगर कोई भाजपा का नेता होता और इस तरह से पार्टी की कोई नेता तमाम बड़े बड़े दावे करती और उसके बाद इस तरह के दो वीडियो सामने उभर कर आते जो मैं लगातार आपको अपने मंच पर दिखा रहा हूं। दोस्तों, वीडियोस तो कई आए थे मगर इस गोदी मीडिया ने कभी उस पर भाजपा को कटघरे में नहीं रखा। याद है आपको, नरेंद्र तोमर का बेटा, उसका बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें वो लेन देन की बात कर रहा था। आज तक उस मुद्दे पर क्या हुआ मुझे बताइए? क्या उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच हुई कि वो फर्जी वीडियो है या सही वीडियो है? बिल्कुल नहीं हुई। और जो लोग वो फर्जी वीडियो फैला रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि वो वीडियो सही था? भाजपा इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? प्रज्वल रवन्ना जिस तरह से औरतों के साथ, 67 साल की औरतों के साथ भी दुष्कर्म कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, उसकी झलकियां बदनसीबी से मैंने भी देखी हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, इस तरह से कोई कांग्रेस का नेता होता तो उसे अब तक उल्टा लटका दिया गया होता। मगर आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो प्रज्वल रवन्ना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसे कैंसिल नहीं किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं, जब भी मामला कोई विपक्ष का होता है या सत्ता पक्ष का होता है, गोदी मीडिया और एजेंसीज जो हैं वो किस तरह का फर्क दिखाती हैं। ये फैक्ट्स है ना? क्या इससे नजरें फेरी जा सकती हैं? क्या इस गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती? क्या जांच एजेंसीज को शर्म नहीं आती? क्या ये सवाल भी ना उठाए जाएं? वाकई दोस्तों, हद ही है और हद के सिवाय कुछ नहीं। बहरहाल, मैं यही उम्मीद करता हूं कि स्वाति मालीवाल के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। वैभव कुमार ने इस ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस से कहा है कि भाई, मैं जांच के लिए तैयार हूं, सहयोग कर रहा हूं, मगर मैंने भी एक शिकायत दर्ज की थी, उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, मगर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जो अपने आप में बतला रहा है कि मामला किस तरह से किसके पक्ष में झुका हुआ है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।